Cockbiz. हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे देश में गाय के पूजन का एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसे गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं और हम सभी हिंदू लोग इस पर्व को प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। एक तरफ तो गाय के प्रति हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक ये पर्व गोपाष्टमी। गाय जिसे हम भारत के लोग सिर्फ गाय नहीं गाय माता मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में अलग अलग प्रकार से ये वंश समाप्ति की कगार पे है। इसका कारण कोई और नहीं, आप और हम गौ माता के भक्त ही हैं। ये प्रश्न आपसे हमसे पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार की भक्ति किस काम की। आप लोग सुबह अपने घर से जब काम के लिए निकलते हैं तो प्लास्टिक की पॉलीथिन में कुछ खाने का सामान अपने साथ रख लेते हैं, ये सोच के कि चलो भैया चलते फिरते कुछ पुण्य का काम किया जाए। गाय को रोटी खिलाने के बाद क्या आपने कभी मुड़ के देखा है कि जिस पॉलीथिन में आपने गाय को रोटी दी थी उस पॉलीथिन का क्या हुआ? अंत में वो पॉलीथिन गाय के पेट में चली गई। आपकी दो रोटी से उसके शरीर को जितना पोषण नहीं मिला उससे ज्यादा उसके शरीर को नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसी गौ भक्ति पे या इसी गाय से संबंधित जो समस्या है हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम उसी प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे जो गाय के लिए, हमारे लिए और हमारे इस वातावरण के लिए यानी कि हमारी धरती माता के लिए भी एक अभिशाप बन के आया हुआ है। वही प्लास्टिक जिसकी वजह से रोज भारत में रोज डेली कम से कम 20 गायें मरती हैं। दोस्तों वैसे तो आपको अंदाजा होगा कि ये प्लास्टिक हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। जैसा कि इस प्लास्टिक से या सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारी गौ माता को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या कितनी समस्या होती है इसका अंदाज़ा तो आप डेली रूटीन की लाइफ में आप जब आसपास देखते होंगे, तो गाय जब कूड़ेदान से पॉलीथीन को खा रही होती है तो उसके बाद वो उसके पेट में चला जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके बाद उसको जब प्रॉब्लम्स होती है तो उसके बाद ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। तो एक सर्वे के अनुसार या एक स्टडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि कभी कभी जब गाय को दिक्कत होती है तो गाय के पेट से 8 kg यानी कि 8 kg से लगभग 75 kg तक का पॉलीथीन गाय के पेट से निकाला जा चुका है। और डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स इस पे काम करते हैं, उनको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं उसका ऑपरेशन करने में। तो आप दोस्तों आप सोचिए कि एक बेजुबान जानवर को अगर कितनी तकलीफ होती होगी उस ऑपरेशन के दौरान या उस पूरे प्रोसेस के दौरान कि जब निकाला जाता है। ये तो उन गायों के साथ हो जाए है जिनका केयर कर लिया जाता है या कुछ NGO हैं या कुछ संस्थाएं हैं जो ऐसी गायों की सहायता करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो कि इससे वंचित रह जाती हैं और वो अंत में मर जाती हैं। तो दोस्तों आप सोचिए कि हम एक तो जिसको हम भगवान मानते हैं, जिस गौ माता को हम भगवान मानते हैं, उसके साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं या ये सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रमोट करके उसको क्यों हम अपनी जो गौ माता है उस पर उनको क्यों परेशान कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं इससे। या अपने एक तो गौ माता जो परेशान हो रही है प्लास्टिक से अलग, उसके अलावा उसी प्लास्टिक से, चूँकि वो प्लास्टिक रिसाइकिल होने में प्रॉब्लम करता है या वो कंपोस्ट होने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि एक प्लास्टिक जो पैदा होती है उसको फिर से दोबारा उसी फॉर्म में आने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे अगर उसको नेचुरल प्रोसेस से किया जाए तो उसको जितनी प्लास्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं, जितनी प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका हमारे पर्यावरण पर इतना बुरा असर पड़ रहा है जो कि आगे चल के हमारे बच्चों के लिए या हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही दुखद
होगा। तो दोस्तों हमें इस पे विचार करना चाहिए और कम से कम हमें इस सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि हम इसको पूरी तरह बैन किया जा सकता है क्या, इसको सिंगल यूज प्लास्टिक को? तो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन तो किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु चूंकि हमारे आज के दिनचर्या में प्लास्टिक का या पॉलीथीन का या सिंगल यूज पॉलीथीन का इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया है कि आप पैकिंग मटेरियल्स में बोलो, आप चाहे पैकिंग मटेरियल देखिए, आप पॉलीथीन है या हर चीज़ में, पैकिंग में स्पेशली, पैकिंग में सबसे ज़्यादा यूज ये सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है। तो अब पूरी तरह से हटा पाना तो भारत जैसे देश के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोज़गार भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो उससे लोगे उससे जुड़े बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल रहा है। तो पूरी तरह से हटा पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम मॉरल रूप से अपने हम देखें कि हम जो आज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट 100 साल बाद आएगा या 200 साल बाद आएगा, तो हम हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हम उसके लिए क्या करके जाएंगे। तो कम से कम हम प्लास्टिक का या सिंगल यूज प्लास्टिक का अपने जीवन में कम से कम उपयोग करें, ऐसा प्रयास करें कि हम कम से कम इसका उपयोग करें। दोस्तों वैसे तो गवर्नमेंट ने, बहुत सारे स्टेट्स ने या बहुत सारे सरकारों ने कोशिश की कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया जा सके। बहुत सारे स्टेट्स में पूरी तरह से बैन किया गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन किया गया। इवन इनको ट्राई किया गया कि नॉन ओवन बैग्स, यानी कि जिसमें सेमी प्लास्टिक से बनाया जाता है, उसको भी बैन किया गया। लेकिन अब चूंकि हम मानव या हम लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि हम न सरकार की सुनना चाहते हैं, ना हम समाज सेवी की सुनना चाहते हैं, और ना हम अपनी आँखों देखी प्रॉब्लम्स को भी देख के भी उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स प्लास्टिक को बैन करने में यही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि सरकार रूल तो बना देती है, सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रूल भी बना दिया है कि प्लास्टिक को जब आप अक्सर देखते होंगे या आपके नगर पालिका में या नोएडा अथॉरिटी वाले या आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी सोसाइटी में जहाँ रहते हैं, सब जगह एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप कूड़े को इस तरह से सेग्रीगेट करके उसको दें, जिससे कि वो कूड़ा अलग अलग तरीके से जाए, प्लास्टिक का अलग जाएगा या खाने वाली चीज़ें जो होंगी वो अलग जाएंगी, तरल पदार्थ अलग जाएंगे, तो जिससे एक कूड़े को मैनेजमेंट करने में एक प्रॉब्लम जो होती है वो उस पर एक नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन हम ये सब काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि प्लास्टिक से कितनी समस्याएं हैं और प्लास्टिक्स को हम क्यों अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से नहीं हटा पा रहे हैं या हम क्यों नहीं हटाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं सलूशन तो निकालना पड़ेगा। सलूशन अब उसको चाहे हम अपने इस कंजम्पशन को कम करें या प्लास्टिक को रिसाइकल करें, वैसे तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम इसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करें या इसकी कंजम्पशन को हम कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करें। परंतु हम अगर पूरी तरह से इसको नहीं हटा पाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको एक इसका जो एक रिसाइकलिंग का जो तरीका है, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है, जो सरकारों ने या नगर पालिकाओं ने जो एक नियम बना रखा है कि आप अपने कूड़े को किस तरीके से सही जगह पे पहुंचाएं या सही तरीके से कम खुले में प्लास्टिक को खुले में तो ना फेंकें, और उसको कूड़े जो आपके पास जो सोसाइटीज़ में या आपके नगर पालिका में जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं उसमें आप प्लास्टिक को एक उसके तय स्थान पे उसको रखें, जिससे कि वो एक जगह एकत्रित होके और फिर वो रिसाइकलर्स को जा सके। तो दोस्तों जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो एक प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ स्टार्टअप्स के लिए, यानी कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स आज आ रहे हैं काम करने के लिए और जो समाज के लिए और कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों?
प्लास्टिक रिसाइकिल का बिजनेस, यानी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट जिसको कहते हैं, या प्लास्टिक से हम बहुत तरीके से इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसको मार्केट में बेच के अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। तो जिसमें से मैं आपको उदाहरण के लिए दो चार उदाहरण देना चाहूँगा प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस का, जिसमें से अभी रिसेंट में मैंने एक उदाहरण देखा था जिसमें उस एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उसने ये प्लास्टिक की पन्नी से, प्लास्टिक की जो पॉलीथिन है उससे जूते बनाए, यानी कि वो क्या करता है कि 10 प्लास्टिक की पन्नी से एक जूता बना देता है वो। तो उससे उसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एक ब्रांड बनाया और आज की डेट में एक अच्छा इस्टेब्लिश बिजनेसमैन बन गया है। उसी तरीके से प्लास्टिक टू ऑयल का बिजनेस है, यानी कि अब प्लास्टिक से एक ऑयल में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण पुणे का है, पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने जो एक इनोवेटिव आइडिया लगाया कि उस प्लास्टिक से उन्होंने जो रोड बनाने में जो एक केमिकल जो यूज होता है, उस प्लास्टिक से रोड बनाने का केमिकल बनाया और जिससे वो अपना रोड बनाते हैं। ऐसे ही एक मैंने रिसेंट वीडियो देखा एक नाइजीरिया का, उसमें उस प्लास्टिक से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टाइल्स, प्लास्टिक की टाइल्स बनाई, जिसको उन्होंने बच्चों का जब प्ले किट्स एरिया होता है उसकी जो कारपेट होती है या उसकी जो टाइल्स होती हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई थी, या आप उसको जो टाइल्स हैं वो चाहे जिम में चाहे या ऐसे किसी भी पब्लिक स्थान पर उसको यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं जिसको प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है, और ये बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज की डेट में। क्योंकि ये बिजनेस क्यों प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो आपको रॉ मटेरियल यानी कि प्लास्टिक आपको कूड़े के भाव मिलता है, यानी कि किसी बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको कूड़े के भाव मिले, यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कूड़ा है, यानी कि प्लास्टिक कूड़ा है। तो अब उस कूड़े से आप कोई भी सामान बनाते हैं तो एक वो वैल्यूएबल सामान होता है, वो एक महंगा सामान होता है जिसमें कि एक प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। तो दोस्तों ऐसा करने से जो एंटरप्रेन्योर, जो स्टार्टअप इसमें आना चाहते हैं या आते हैं, तो उनको ऐसा करने से कम दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। एक तो हमारे वातावरण की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और दूसरा नए रोजगार पैदा करते हैं और अपना एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बेस टू वेल्थ ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि पीएम मोदी ने नए भारत के लिए बनाया है। तो इसमें बहुत सारे नियम कानून या बहुत सारे स्कीमें हैं जिसपे हम नए नए वीडियोस पे आपसे मिलते रहेंगे, और अगले वीडियो में एक नए मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।